अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। तो आज की वेदर रिपोर्ट मैं देना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं बैठी हुई थी यहाँ पे तो इतनी ठंडी है कल से, फल्ला बहुत ज़्यादा ठंडी है। पानी तो ऐसे जैसे बर्फ़ लग रहा हो हम लोगों के लिए। सीरियसली बाहरी ममालिक में जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो, जैसे कि कश्मीर भी है हमारे यहाँ पे, पता नहीं कितनी ठंडी होती होगी, कैसे रहते होंगे। हमें इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं करने हो रहा है, पानी बर्फ़ लग रहा है। कह रहे थे कि 10 ईयर्स पहले इस तरह की जो ठंडी है वो आई थी, तो अभी 10 ईयर्स के बाद फिर से इस तरह का ठंडी का मौसम आया है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और कल दोपहर से जो है वो बारिश लगी हुई है। कल दोपहर से अब तक भी कंटिन्यूस ऐसी ही बारिश है, लेकिन इतनी ज़ोर से बारिश नहीं है, ड्रिजलिंग है, थोड़ा सा ज़ोर होती है हल्की हल्की सी, और फिर से जो है वो नॉर्मल पेस में आ जाता है, जैसे कि ड्रिजलिंग होती है। तो बस स्टॉप नहीं हुआ है कल से, तो बारिश हो रही है और हमें तो बस, मैं देखिए मैं कैप पहनी हूँ, स्वेटर पहनी हुई हूँ, कोजी कोजी होके बैठी हुई हूँ मैं भी। तो बच्चे सो गए हैं, खाना वगैरह डिनर वगैरह हो गया है, अभी बज रहे हैं जी 11। तो हमारा खाना वगैरह तो जल्दी हो गया था, हम ऐसे बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं बैठे हुए थे, अभी अभी वो उठ के गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं आज आपको वेदर रिपोर्ट के साथ साथ कुछ और बातें बताऊं जो मुझे अक्सर कमेंट्स में मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं। तो वेदर रिपोर्ट तो हो गई है और होप सो कि कल इस तरह की ठंडी ना हो, बहुत ज़्यादा है सीरियसली। और बच्चों को भी छुट्टी है तो अच्छा है हमारे लिए। और रही बात जो सवाल की जो मुझसे पूछा जाता है अक्सर, वो ये कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने बता दिया था कि मैं कहाँ से हूँ। फिर मुझसे पूछा जाता है कि मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ किस शहर में रहती हूँ। तो जी, तो मैं रहती हूँ इंडिया में और इंडियन हूँ, और इंडिया में बैंगलोर सिटी में रहती हूँ, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। तो ये है मेरी रहने की जगह, रहने की इन्फॉर्मेशन। और मुझसे पूछा गया था कि एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं मेरी, उन्होंने मुझसे कल पूछा हुआ था कि मेरी बेटी जो है वो कितने साल की है। मेरी बेटी जो है वो 4 साल की है, मेरे बड़े बेटे जो हैं वो 8 साल के हैं, दूसरे बेटे जो हैं वो 7 साल के हैं, और बेटी जो है वो 4 साल की है। तो जहन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों बेटों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यस, ये अल्लाह की तरफ से बोनस था हमारे लिए। तो हाँ जी, तो बेटों में ज़्यादा टाइम गैप नहीं था, लेकिन बेटी जो है वो 4 साल की है, तो थोड़ा सा टाइम था। तो ये है मेरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, और मैं जो हूँ वो होम मेकर हूँ। मैं शादी से पहले जॉब किया करती थी, अभी नहीं करती हूँ। मैं पहले HR में थी, ह्यूमन रिसोर्स में थी, अभी तो मैं होम मेकर हूँ। तो दिस इज़ द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर होम, हमारी फैमिली की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ये बस ऐसे बैठी हुई थी तो मैं थोड़ा सा आपको वेदर रिपोर्ट दे दूँ ये सोचा। तो आप सब लोग बहुत क्या कहते हैं वो इस तरह की बातों में, वेदर में या फिर इस तरह की बातों में याद आते हैं, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ आप सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। टेक लोड्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।